नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा उपचुनाव के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। होली पर मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन सतर्क, 6 क्विंटल खोआ के साथ पापड़ और रसगुल्ला भी बरामद। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक महासभा ने महापौर सीताराम जायसवाल को किया सम्मानित। विद्यालय के संचालन में आने वाले समस्याओं के निस्तारण पर हुई चर्चा। चुनाव प्रेक्षक डॉक्टर सुबोध ने सहजनवा तहसील के कई बूथों का किया निरीक्षण। एआरओ एसडीएम पंकज श्रीवास्तव भी रहे मौजूद। आरक्षण बचाओ, दलित समाज बचाओ, संविधान बचाओ के नारों के साथ अंबेडकरवादी जागरण मंच के सदस्यों ने निकाली रैली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर जिले की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। शिक्षकों ने समस्याओं पर आंदोलन करने की बनाई रणनीति। मनाई गई वीर एकलव्य जयंती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज से निकाली गई जन जागरूकता रैली। असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई संपन्न। आर्यभट्ट जयंती के पूर्व बैठक का हुआ आयोजन। मार्शल आर्ट खिलाड़ियों की कलर बेल्ट परीक्षा में खिलाड़ियों ने अपने कला का किया प्रदर्शन। रविवार को भी जारी रहा मंडल स्तरीय खेल छात्रावास के लिए ट्रायल। और जिला स्तरीय वेटरन T20 टूर्नामेंट में फार्मा जेम्स की 36 रनों से शानदार जीत। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्टरों के माध्यम से वीवीपैट और ईवीएम को बंद करने की जानकारी दी गई। उसके बाद मुख्य कार्मिक प्रशिक्षण अधिकारी बीएन मिश्रा ने प्रशिक्षण देते हुए अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की बारीकियों के बारे में बताया। ईटी यानी पोल शुरू होने का समय क्लोज बटन पर लगी ईटी ऐप को हटाएं और इसे लगाएं। कंट्रोल यूनिट द्वारा बैटरी की स्थिति, नोडल सहित उम्मीदवारों की कुल संख्या, PSTPET और डाली गई कुल वोटों जैसे संदेश आएंगे। अगर बैलेट बटन चालू हो जाता है या गलती से बैलेट बटन दब जाता है तो इन दोनों के मामलों में सीयू में रेड बिजली लाइट जल भी रहेगा। उसको खोलना बंद करना बहुत टिपिकल नहीं है, देखने में लग रहा है। जो आपने भी वीडियो में देखा होगा, 3-4 तरह के तार दिखाई दे रहे हैं, 2-3 तरह के दरवाजे, देखने में टिपिकल जरूर लगा होगा, लेकिन जब आप समझेंगे तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। बस उसके 3 तार हैं, एक तो वीवीपैट से जो निकला हुआ तार है उसके प्लग को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना है, और जो बैलेट यूनिट का केबल है, बैलेट यूनिट वाले केबल को इससे आपको वीवीपैट से जोड़ना है। ये प्रक्रिया आप वहाँ एक बार 2-3 बार करके देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। दूसरी बात आपको ये बताएं कि जब आप फाइनल ड्यूटी के लिए, जब दूसरा वाला जो ड्यूटी आपको जाएगा, नियुक्ति पत्र जाएगा,
तो उसमें ये पता चल जाएगा कि आपकी ड्यूटी किस विधानसभा क्षेत्र में है। चूंकि गोरखपुर संसदीय निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं हैं, सहजनवा, पिपराइच, शहर, ग्रामीण और कैंपियरगंज। 5ों की जो पोलिंग पार्टीज हैं यहीं से जाएंगी। उसमें जो खजनी है, खजनी विधानसभा की जो सहजनवा विधानसभा की एक विधानसभा की पार्टी है, जो आप जब जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वहीं पे बोर्ड पे ये लिखा रहेगा कि सहजनवा विधानसभा इस बिल्डिंग से, शहर इस बिल्डिंग से, ग्रामीण इस बिल्डिंग से, एरो भी बना रहेगा। तो एक विधानसभा जो आपकी संवाद भवन से जाएगा वो थोड़ा सा अलग है। होली त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन के निर्देश पर बाहर से आने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए गोरखपुर खाद्य सुरक्षा की औषधि प्रसाधन की टीम लगातार खाद्य सामानों पर छापेमारी कर रही है। गोरखपुर कई सीमावर्ती जिलों से जुड़ा हुआ है और यहां से कई अन्य जिलों के व्यापारी आकर सामानों की खरीदारी करते हैं। इसी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा टीम ने भारी पैमाने पर गोरखपुर जिले के 4 स्थानों से बाहर से लाई गई खाद्य सामग्री, लगभग 1 क्विंटल से ज्यादा पापड़ और 5 डिब्बों में बंद लगभग 1 क्विंटल सफेद रसगुल्ला को लावारिस हालत में बरामद किया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने रेलवे बस स्टेशन पर लावारिस हालत में लगभग 6 क्विंटल खोआ जब्त किया है। इस मौके पर विभाग के अभिभित अधिकारी अजीत कुमार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी भी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विभाग के अभिभित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया, अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गोरखपुर। सवेरे से मेरे विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विभिन्न स्थलों पर खोआ ट्रैकिंग के लिए लगे हुए थे। मानीराम स्टेशन, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, पेडलेगंज, रुस्तमपुर, हर जगह हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी 4 बजे सुबह से ही लगे हुए थे। 1 बजे दूरभाष पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री प्रतिमा त्रिपाठी ने मुझे दूरभाष पर सूचना दिया, रोडवेज रेलवे स्टेशन पर सड़क के किनारे 11 बैग उतरा हुआ रखा। मैं सूचना पर यहाँ पहुँचा तो देखा कि ये वो लोग करते क्या हैं कि जब माल उतरता है तो पहले चारों ओर मुआयना करते हैं कि कोई है तो नहीं। सर लगभग कितने मात्रा में होगा? खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ थे तो वो लोग यहाँ दावेदारी में आए नहीं। माल रखा हुआ है, इसका इंतजार किया जाएगा, कोई दावेदार आए तो नमूना लेकर के जाँच जाएगा। कितनी मात्रा में आते हैं तो ये विनश्वर प्रकृति का होने के कारण जब डिटेरियोरेट कर जाएगा तो इसको डिस्पोज ऑफ डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लगभग 5.5 क्विंटल क्षतित हो रहा है कि हुआ है। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक महासभा द्वारा महापौर सीताराम जायसवाल का सम्मान समारोह रविवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर महासभा के मंडल अध्यक्ष मंकेश्वर नाथ पांडे, मंडल महामंत्री दिनेश सिंह शास्त्री, जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश द्विवेदी, जिला महामंत्री हरिंद्र प्रसाद जायसवाल, जिला अध्यक्ष आनंद नारायण मिश्र, शरद कुमार सिंह सहित महासभा के कई पदाधिकारी और सदस्यों ने महापौर सीताराम जायसवाल को माल्यार्पण
और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर समारोह में आए विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों ने अपने कॉलेजों में आने वाली समस्याओं और उसके निस्तारण पर भी चर्चा की। मां सरस्वती के चित्र पर आज के मुख्य अतिथि विद्यालय के सांस्कृतिक होती है, वही में आपको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना है। उसमें आज एसडीएम करते हैं या रजिस्टर सोसाइटी करते हैं, कर लिया, इसलिए आपके सूची निरस्त की जाती है। अपने विद्यालय के सोसाइटी को ट्रस्ट में परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पद हटा दिए गए हैं। यह विषय कभी तमाम विद्यालय को हुई एक बार पूर्ण पत्र स्वीकृत पत्र वर्ष 1971 के समय उपस्थित था। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित है और माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष होता है हमारे बीच में उपाध्यक्ष हमारे बीच में विक्की सिंह अमीर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है और विशेष अतिथि का भी हम आज के मुख्य अतिथि लोकसभा उपचुनाव निर्वाचन के लिए सहजनवा तहसील के कई बूथों का निरीक्षण प्रेक्षक डॉक्टर सुबोध कुमार द्वारा एसडीएम सहजनवा पंकज श्रीवास्तव की मौजूदगी में किया गया। प्रेक्षक डॉक्टर सुबोध कुमार ने संवेदनशील बर्नाबेल बूथ का सबसे पहले निरीक्षण किया और वहां पर पानी, शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैम की व्यवस्था और कमरों का निरीक्षण कर अपनी संतुष्टि जाहिर की। इसके बाद प्रेक्षक ने एसडीएम सहजनवा पंकज श्रीवास्तव के साथ बेलवाडाड़ी, तिलौरिया, जोगिया खुर्द, दोरहिया आदि बूथों का भी निरीक्षण किया और उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया। अंबेडकरवादी जागरण मंच द्वारा रविवार को धर्मशाला चौराहे से आरक्षण बचाओ, दलित सम्मान बचाओ, संविधान बचाओ महारैली निकाली गई। यह रैली धर्मशाला से निकलकर गणेश चौराहा, चेतना तिराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा, शास्त्री चौराहा होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंचकर सभा के रूप में तब्दील हो गई। रैली के दौरान मंच के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जम के नारेबाजी भी की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा जागरण मंच सामाजिक संगठन गोरखपुर की रैली है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से सारे पूरे देश के नागरिक हैं उसी तरह से हमें भी समान अधिकार प्राप्त है, समान अधिकार प्राप्त है और हमारे साथ भी द्वयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाए, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाए, हमें भी उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी इस देश में सारे लोगों को आज़ादी मिली हुई है। हम इसके विरोध में आज सड़क पर उतरे हुए हैं। अम्बेडकरवादी जागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं चंद्रशेखर।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर जिले के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को दिग्विजय नाथ परास्नातक कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री यशवंत सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शैलेंद्र प्रताप सिंह, मंडली अध्यक्ष श्रीनाथ दीक्षित, ब्रिजेश राय, मार्कंडे प्रसाद सिंह, दिग्विजय पांडे, रमेंद्र प्रताप सिंह सहित कई पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने संघ के नव निर्वाचित कुल 31 पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद संघ के सदस्यों ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने, रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाने की बात कही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी के रूप में सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि संगठन तथा संगठन के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं संगठन द्वारा शिक्षक के लिए निर्धारित आचार संहिता का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता, परीक्षाओं की पवित्रता एवं निःशुल्क शिक्षा की प्रतिबद्धता अक्षुण रखने में निष्ठापूर्वक योगदान करते हुए राष्ट्र निर्माण के दायित्वों का पूर्ण जागरूकता से निर्वहन करूंगा। माध्यमिक शिक्षक संघ हमारी उपलब्धियों के ऊपर हमला हो रहा है। पेंशन के रूप में हमारी एक उपलब्धि छीनी जा चुकी है। आज के 12 वर्ष पहले आज एक संघर्ष की आवश्यकता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके लिए हमारे गोरखपुर जनपद के शिक्षक साथियों ने एक नौजवान जिला कार्यकारिणी का चुनाव किया है। जनपद के सभी नौजवान पदाधिकारी हैं। आज के इस अवसर पर मैं अपने इन साथियों से आशा ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि जो संगठन का दिशा निर्देश होगा उस दिशा निर्देश के अनुसार जो शिक्षक समाज के सामने जो चुनौतियां हैं पूरे मनोयोग से उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। मन से सबको मिला करके एका करके सबको लेकर चले, तभी संगठन के मान मर्यादा बची रहेगी। आज के समय में यही जरूरत है। संगठन की एक शक्ति दिखानी है और संगठन आप हैं, आपकी शक्ति जब रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जो नई कार्यकारी आपने चुना है उन सभी लोगों को आप खूब उनको जो है बल दें, उनको साफ रूप में कहें कि हम हमेशा आपके साथ तैयार हैं, तभी ये लोग
किसी भी अधिकारी से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हम सबका उसी में भलाई है। उसी से अपनी बात पे जोड़ते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज कुछ कहने के क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही से संघर्ष शुरू हो जाएगा। और मैं तो इसलिए इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विशेष करके नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ कि गोरखपुर जनपद में माननीय ओम प्रकाश शर्मा जो हमारे संघर्षों के पुरोधा है, नायक है, संघर्षों के पर्याय है, ये चुनाव करके सिद्ध कर दिया उनके सपनों को। उनका ये बार बार कहना है कि नौजवान साथियों को आगे लाओ, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, मुझे पूरी आशा है और ये भी मैं आशा करता हूँ ये करके दिखाएंगे। सहयोग आपके होगा, क्योंकि संघर्ष इकाई से शुरू होता है, इकाई से जिले पर जाएगा, जिले से जिला शिक्षा विभाग पर जाएगा और शिक्षा विभाग से प्रदेश तक, क्योंकि इकाई अगर सहयोग नहीं करेगी तो जिला का अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, आप सोचिए कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो विस्फोट कर देगा। सहयोग आपका अपेक्षित है। आज हम जो शपथ ग्रहण करा रहे हैं उसका मुख्य अर्थ यही है कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघर्ष की शक्ति ही, संगठन की शक्ति को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मैं हम ही लोग ये नारा लगाते थे, शिक्षक की दशा, दुर्दशा और उसकी स्थिति पर, लेकिन संघर्ष की ताकत थी संगठन की। 1956 में स्थापना हुई और उस स्थापना के बाद कि जो भी उपलब्धियां हमारी हैं वो सारी उपलब्धियां 31 दिसंबर 1956 के बाद जो संघर्ष हुए उसी की देन है। आज हमें वही जो हमारी उपलब्धियां हैं उसे अक्षुण रखने के लिए, बचाए रखने के लिए और नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। कहा भी गया है कि बहुनाम असाराम संघते कार्य साधिके, त्रेह गुण तुम अपन नहीं है पर धरते पर तदंतिन। एक तिनका बहुत तुच्छ होता है, बहुत कमजोर होता है, लेकिन उसका समूह जब इकट्ठा होता है उससे रास्ता बनाया जाता है और उस रस्ते में मतवाले से मतवाले हाथी को बांध दिया जाता है। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश अध्यक्ष गरीब समाज पार्टी के डॉक्टर वेद प्रकाश निषाद के नेतृत्व में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में वीर एकलव्य जयंती मनाई गई। इस मौके पर गरीब समाज पार्टी के उमाशंकर मझवार, प्रेम नारायण यादव, दीप चंद मझवार और राधे श्याम मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गरीब समाज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश निषाद ने कहा, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उनके कुमार जो है
एक शेर के बच्चे को जो है पकड़ना चाहे, घसीट करके ला रहे हैं तो तब तक इनकी निगाह जो है पड़ा, वह अपने तर्कश से धनुष बाण निकाल करके सतर्क हो गए कि कहीं बाघ जो है आकर के आक्रमण न कर ले। इसलिए उन्होंने कहा कि आए अभूदन, वह लड़का जो है बच्चे बाघ के बच्चे को खींच करके ला रहा था, इतने में जोर से आवाज निकली, आए अब है, तुम भी शेर के बच्चे हो और वो भी शेर का बच्चा, दोनों में दुश्मनी नहीं होना चाहिए, दोस्ती होना चाहिए। इतना सुन करके अब युधन कुमार जो है बच्चा को, शेर के बच्चे को छोड़ करके चले आते हैं। जो है सैकड़ों सालों से जो है इनकी जयंती मनाया, हमारे पूर्वज भी मनाते चले आए। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराव गोरखपुर में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस कार्यक्रम के दौरान आज 6वें दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए रैली का आयोजन कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। रैली का शुभारंभ कॉलेज के अध्यक्ष गुलाब सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। रैली को रवाना करते समय गुलाब सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, क्योंकि दिन पर दिन लिंगानुपात घटता जा रहा है और ऐसे में यह विषय समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। अरे उसको टाइट करो ना। रविवार को नगर निगम पार्क में अध्यक्ष असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन गोरखपुर चंद्रभान पांडे के नेतृत्व में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं को निवारण करना और मासिक बैठक सुचारू रूप से आयोजित किया जाना था। इस मौके पर बैठक में हवलदार कमलेश त्रिपाठी, जितेंद्र दुबे, प्रवेश दुबे, जेपी मौर्य, एसपी मिश्रा, बीएन विश्वकर्मा सहित अन्य पूर्व सैनिक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन चंद्रभान पांडे ने कहा, को चलाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं तो हमेशा कुछ काम करें। वो साथ में उनकी श्रीमती जी भी आई हुई सेवा का। पहले 18 मार्च को लोग 18 को पहुंच रहे हैं और वो बहुत होता है क्योंकि हो सकता है गाजीपुर वगैरह उनको देने के लिए अकेले हमारे गेस्ट आइएगा और जहाँ तक हो पाएगा हमें, और ये जानते हैं कि हमसे हो पाएगा तो आप लोगों से प्रार्थना है। लेकिन उनका लड़का ये दक्षिण भारत, हमारे ही बैठक मासिक बैठक है, इसमें हम आसाम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों का क्या तकलीफ है, क्या उनको पेंशन वगैरह ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या क्या चीज़ें उनकी कमी है उसके बारे में पूछते हैं, तथा हमारे डीजी हेडक्वार्टर शिलांग से अगर कोई लेटर वगैरह उनके लायक आता है तो वो बताते हैं कि ये लेटर आपके फायदे के लिए आया है, आपके फैमिली के लिए आया है, वीडियोज के लिए आया है, तमाम तरह की उनको सूचनाएँ देते हैं और उनसे सूचनाएँ लेते हैं। अभी हाल में हमारे एक संस्था है आसाम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, उनके मैटरन इन चीफ
रिटायर्ड मेजर जनरल कार्निक साहब, प्रेसिडेंट लाल सिंह यादव, सेक्रेटरी रिटायर्ड सुबेदार वी टी नायर हमारे गोरखपुर में आ रहे हैं। वो 18 तारीख को, 18 मार्च को जीआरडी में आकर रुकेंगे तथा 19 तारीख में हम लोगों से बात करना चाहते हैं। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि 19 तारीख को कृष्णा पैलेस में, जो देवरिया बाईपास के पास है, वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होंगे और उनके इंटरेक्शन में शामिल होकर उनसे बातचीत करेंगे। जो भी अपना तकलीफ दुख होगा वो बताएंगे और उनको पूछेंगे कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। हमारी यही तकलीफ। रविवार को आर्यभट्ट सेवा समिति के अध्यक्ष गजेंद्र मिश्र के नेतृत्व में आर्यभट्ट जयंती के पूर्व नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि आगामी आर्यभट्ट जयंती मनाने के पूर्व कार्यक्रम की रूपरेखा किस प्रकार से आयोजित की जाए। बैठक में शामिल हुए आर्यभट्ट सेवा समिति के सदस्यों ने अपने अपने विचारों को रखा। इस मौके पर भट्ट सेवा समिति के गजेंद्र मिश्र, प्रभाकर शर्मा, शिव कुमार भट्ट, डॉक्टर शशिभूषण शर्मा, प्रभुनाथ शर्मा, दीपक भट्ट सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। के बगल में गांव पड़ता है पतरा, वहाँ छोटेलाल कुवारी, गाँव कवालपुर जिला, यहाँ रुस्तमपुर डाली बाग में रहता हूँ। रांची सिलौली रुस्तमपुर, और यहाँ पर हमारी पत्नी इंटेलिजेंस है, सिविल इंस्पेक्टर है। मैं भाग कर चुके हैं जी, साथ वाला बराबर आते हैं। 13 अप्रैल को आर्यभट्ट जयंती का आयोजन करते हैं। उसी के विषय में यह जो सभा आहूत की गई है विचार विमर्श के लिए, कि वह आप लोग परामर्श दे, विचार दे कि किस तरह से हम लोग उसको क्रियान्वित करें। स्थित सारे मेरे स्नेही भट्ट परिवार के बंधुओं का हृदय से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ष हम लोग आर्यभट्ट जी का जयंती मनाते हैं। वह तिथि है 13 अप्रैल, और उसकी तैयारी बैठक इसको कहते हैं, तैयारी बैठक। इसमें उसको कैसे बढ़िया से बढ़िया उसको हम लोग संपादित करें, लेकर भी आएंगे जो हमारे साथ गांव के हैं, जो सारी को लेकर भी आएंगे। पहले आर्यभट्ट जयंती में आपने, हमने, तीन चार लोगों ने जो पीएम भट्ट ने किया, उधर एक शहर के बीचों बीच जगह पर होता था, एक ही बार मैंने हिस्सा लिया, बाकी आप लोगों ने बहुत विधान थे। मेरा सुझाव ये है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कि भविष्य में हम कर सकते हैं कि उसमें बच्चे भी हों, क्योंकि आगे जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ी ही आर्यभट्ट जयंती की ज़रूरत है। हम और आप तो बहुत कुछ जान चुके हैं और जानना है, और उम्र गुजर चुकी है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो इंटरनेट का यूज़ करती है वो जाने कि आर्यभट्ट ने क्या क्या किया था, हमारी जीवन में उनकी उपयोगिता कितनी है वो जाने। पूर्वांचल नियुद्ध अकादमी द्वारा मार्शल आर्ट खिलाड़ी का कलर बेल्ट परीक्षा रविवार को टाउन हॉल कचहरी क्लब मैदान में आयोजित किया गया। परीक्षा में महानगर में 55 मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 35 खिलाड़ी विजेता रहे। कचहरी क्लब में आयोजित इस बेल्ट परीक्षा में खिलाड़ियों ने नियुद्ध कला के हैरतअंगेज तकनीकों का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने किक, पंच ब्लॉक, थ्रोइंग टेक्निक, सहन शक्ति, पैतरेबाजी इत्यादि मार्शल आर्ट तकनीकों में अपनी दक्षता दिखाते हुए विभिन्न बेल्टों पर अपना कब्जा जमाया, जिसमें सूर्य मंगल चौरसिया और आर्यन यादव सहित कई अन्य के ब्राउन सेकेंड क्यू और अविनाश प्रताप सिंह व शुभम सिंह के ब्राउन बेल्ट फर्स्ट क्यू प्राप्त किया। परीक्षा में निर्णायक मंडल के रूप में अर्पिता श्रीवास्तव, विनय शर्मा, योगेंद्र प्रताप, सत्येंद्र, इंद्र प्रकाश निगम, कुणाल कुमार, जितेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। गो। 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 गो।
रविवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में उप क्रीड़ा अधिकारी दिलीप कुमार की देखरेख में प्रशिक्षक बास्केटबॉल विवेक श्रीवास्तव और प्रशिक्षक बैडमिंटन अभिषेक सिंह खेल छात्रावास के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल लेते नजर आए। खिलाड़ियों के ट्रायल 100 मीटर दौड़, 6 गुड़ा 10 शटल, स्टैंडिंग ब्रॉन्ड जंप, मेडिसिन बॉल थ्रो और 800 मीटर दौड़ मुख्य रहे, जिनमें कबड्डी, बास्केटबॉल और फुटबॉल के ट्रायल के लिए गोरखपुर सहित कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कपड़ा भिन्न में टाइम लगे नगर से भी है लड़के, उसी नगर से कोई ना। अरे तू वहाँ पे आएगा ना? यहाँ पे कहाँ है? उतना मोटा उतना पहले तुम्हें बराबर भाग जाओ लंच करो। हेलो और क्या ये सीधे आगे तक आगे तक आगे तक चल 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 रविवार को जुबली इंटर कॉलेज के मैदान पर जिला स्तरीय वेटरन NS T20 का मैच फार्मा जेम्स और बलदेव प्लाजा के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए फार्मा जेम्स ने 20वें ओवर में 148 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद सारिक ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। बलदेव प्लाजा की तरफ से दीपू गौतम ने 4 ओवरों में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। 149 रनों का पीछा करने उतरी बलदेव प्लाजा की पूरी टीम 17वें ओवर में ही 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फार्मा जेम्स की तरफ से कप्तान शादाब ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 4 विकेट लिए। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। होली पर मिलावट खोरों के खिलाफ प्रशासन सतर्क, 6 कुंटल खोआ के साथ पापड़ और रसगुल्ला भी बरामद।
उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक महासभा ने महापौर सीताराम जायसवाल को किया सम्मानित। विद्यालय के संचालन में आने वाले समस्याओं के निस्तारण पर हुई चर्चा। चुनाव प्रेक्षक डॉक्टर सुबोध ने सहजनवा तहसील के कई बूथों का किया निरीक्षण। एआरओ एसडीएम पंकज श्रीवास्तव भी रहे मौजूद। आरक्षण बचाओ, दलित समाज बचाओ, संविधान बचाओ के नारों के साथ अंबेडकरवादी जागरण मंच के सदस्यों ने निकाली रैली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर जिले की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। शिक्षकों ने समस्याओं पर आंदोलन करने की बनाई रणनीति। मनाई गई वीर एकलव्य जयंती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज से निकाली गई जन जागरूकता रैली। असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई संपन्न। आर्यभट्ट जयंती के पूर्व बैठक का हुआ आयोजन। मार्शल आर्ट खिलाड़ियों की कलर बेल्ट परीक्षा में खिलाड़ियों ने अपने कला का किया प्रदर्शन। रविवार को भी जारी रहा मंडल स्तरीय खेल छात्रावास के लिए ट्रायल। और जिला स्तरीय वेटरन T20 टूर्नामेंट में फार्मा जेम्स की 36 रनों से शानदार जीत। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।